नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, बधाई हो, प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। एक साथ दो दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपकी राशि वालों को। जी हाँ तुला राशि वालों, जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी में हड़कंप मचा देगी। तुला राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा चमत्कार होगा और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी हाँ, इस राशि के कोई भी जातक एवं जाति का मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो बात हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, सुनकर आपका दिल और दिमाग खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। जब प्रभु श्री राम चंद्र जी का आदेश होता है तो इंसान का पूरा जीवन ही बदल जाता है, पूरा इतिहास ही बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, एकदम शांति मन से इस वीडियो को देखना। अगर खुशखबरी नहीं मिली तब कहना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह एहसास होने वाला है कि भगवान की लीला अजब गजब की है। जी हाँ, अब आपको पता चलेगा कि सारा खेल उस ऊपर वाले भगवान का ही है। जी हाँ, हमारे जीवन में जीवन की कहानी वही लिखते हैं और वही मिटाते हैं, सारा खेल उन्हीं का है। उनके बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं डुलता है और ना ही उनके बिना कोई इंसान अपना श्वास तक ले सकता। इसलिए दोस्तों, कहा गया है, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा महान है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर ऊपर वाले ईश्वर प्रभु श्री राम जी का चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बिना देर किए वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्रेम से एक बार जय जयकारा जरूर लगाइएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी आपके सारी परेशानियों को हरण कर लेंगे, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुला राशि वालों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो दो बड़ी खुशखबरी आपकी राशि वालों को मिलने वाला है। जी हाँ, उसके लिए तैयार रहना, आपको किसी भी क्षेत्र में ये खुशखबरी मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी मिल सकता है, और अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी मिल सकता है। जी हाँ, या फिर जिन लोगों ने नौकरी के लिए, जॉब के लिए कहीं पर आवेदन किया हुआ था, तो वहां से भी उन्हें शुभ समाचार के रूप में मिल सकता है। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए भाग्य उदय का समय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आज आपको सफलता मिल सकती है। जी हाँ, समय कुछ लोग आपके लिए गलत अफवाहें फैला सकता है, उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है और अपने गुस्से पर काबू रखें और शांति बनाए रखें। पारिवारिक माहौल सुखद और व्यवस्थित रहेगा। गलत प्रेम संबंध आपकी मनहानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों इनसे बचने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं इस समय आपको बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है। जी हाँ, इसलिए आप कोई भी नए कामों की शुरुआत करने से पहले बड़े बुजुर्गों का और वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह
जरूर ले लें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। इस समय यात्रा का प्लान बन सकता है। जी हाँ, अपने बजट का ध्यान रखें, अनावश्यक खर्चे में कटौती करें। नकारात्मक स्थिति बनने पर विचलित होने से बचने का प्रयास करना होगा। किसी खास मित्र के साथ नोकझोंक हो सकती है, इसका असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। जी हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कारोबारी व्यवस्था चलती रहेगी, संगीत साहित्य कला आदि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार में ज्यादा निवेश करने से बचें, आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। नौकरी में आपकी तरक्की की संभावनाएं बन रही है। जी हाँ, उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज पारिवारिक या व्यक्तिगत कामों में व्यस्तता रहेगी और सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। बच्चों की ओर से चल रही समस्या का हल निकलेगा और काम करने से पहले उसकी उचित योजना अवश्य बना लें। जी हाँ, कोई योजना मिलने पर तुरंत ही उस पर कार्य करें, ज़्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। जी हाँ, अपने सामान की देखभाल स्वयं करें, चोरी होने या फिर खोने की संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। आपको इस समय बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार होगा, साथ ही साथ कर्मचारियों की वजह से कभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। जी हाँ, आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। मार्केटिंग से संबंधित व्यवसाय में कार्यरत लोगों को टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज के दिन सरकारी क्षेत्रों से आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी सफलता के योग बन रहे हैं। जी हाँ, साथ ही धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। रुका हुआ, पेंडिंग में पड़ा हुआ काम आज आप पूरा कर सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद मिल रही है, घर का पूरा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत आज आप कर सकती हैं, किसी नए कामों की शुरुआत आज आप कर सकती हैं, जिसमें भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको उसमें लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर कामों में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप मजे मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आज आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दोबारा सोच विचार कर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी आदत है बिना सोचे समझे कहीं पर भी कूद पड़ती हैं, जिसका अंजाम बुरा होता है। लेकिन इस बार आपको सोच समझकर ही कोई कदम बढ़ाना है, इतना ध्यान रखिएगा। आप भावनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगे। पुराने दोस्तों या परिचितों के सामने आने से आपको खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अभी तक किसी साथी के साथ संबंध की शुरुआत की है, उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीके के बारे में सोच विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकती हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच को खुली रखें, लेकिन अभी कोई भी योजना सुनिश्चित ना करें। जी हाँ दोस्तों, केवल समय के साथ चलते रहें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब कुछ आपको समय पर छोड़ देनी है, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है, समय आपको सब कुछ बता देगा। जी हाँ, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रतिभा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, आप अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, बहुत ही जल्द अपने पक्ष में होगा। देखिए दोस्तों, आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकती हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज में कदम उठाना चाहते हैं तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन फिर भी सोच विचार करके ही कदम उठाना है, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जा सकता है और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा, आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको अपने काफ़ी व्यस्त परीक्षण कार्यक्रम में बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं, शायद आप इसलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का समझने का प्रयास करें। अपने के प्रति के लिए, अपने प्रिय के लिए कोई गीत या कोई गाना कंपोज कर सकती हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम में करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आप में जिम्मेदारी से बचने के लिए एक प्रभावी व्यक्ति रहेगी, लेकिन ये स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तथ्य यह है कि किसी भी वास्तविकता इच्छिक से प्रेरित न होकर अपने जो है कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास आज आपको सफलता एवं पुरस्कार दिला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले समय अंतराल में आप मेहनत की हैं, उनका फल आज आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। जी हाँ, आपको बस मेहनत करते रहना है। जिस तरह से मेहनत आप पहले कर रहे थे, उसी तरह से मेहनत करते रहना है, और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपको उसी रास्ते में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जी हाँ, सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस उनका फल मिलने का समय है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, तो आपको वो सभी चीज़ें मिलेगी जिन चीज़ों की आपने कल्पना करते आ रहे हैं, सपना देखते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाग्य अभी पूरी तरह से आपके अनुकूल है, बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी आपके सपने बहुत ही जल्द साकार करें। जी हाँ दोस्तों, शब को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे आप, और आप उसमें सफल भी होंगे, आप उसमें कामयाब भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर उन्होंने किसी कंपटीशन में भाग लिया था या कहीं पर एग्जाम वगैरह दिया था, तो वहां से उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। आज आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, रुके हुए कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आज आपको किस्मत का साथ मिल रहा है। जो भी काम आज आप अपने मन में ठानेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे, और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप नए कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप दोपहर से पहले ही कर लें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ, दोपहर के बाद समय उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आप दोपहर से पहले करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आपको गारंटी के साथ कामों में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दिन आपके लिए सुखद व्यतीत होगा, किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे तनाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई अथवा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थी को भाग्य या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। जी हाँ, क्योंकि अनुभव की कमी से काम खराब भी हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार इंसान है तो आप उनका मार्गदर्शन, उनका सलाह मशवरा ले सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होंगे। कोर्ट केस अथवा संपत्ति संबंधित विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें, उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस के लिए लिए गए निर्णय में शुरुआत में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। जी हाँ, अभी अपेक्षित लाभ की हासिल नहीं होगा, इस समय प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को उनकी जीत कार्य क्षमता की वजह से प्रमोशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी आपसी संबंधों के बीच चल रही गलतफहमियों का समय रहते निवारण कर लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। समय रहते इनका निवारण करें, प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का खास ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इससे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी। जी हाँ, आज आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं कुछ नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और क्रियान्वयन करना आपको सफल बनाएगा। समाज में मान सम्मान भी बना रहेगा। विद्यार्थियों की अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्या भी दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, और व्यवसाय में किसी के साथ भी कोई डील या लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि आपको फायदेमंद अनुबंध मिलने वाले हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही है। पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रहे गलतफहमियों का निवारण होगा और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ रहेगी, लेकिन दोस्तों आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर चलना ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से आपके मान सम्मान में कोई आंच आ सकती है। जितना हो सके विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें और अपने घर पर ही अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, माता पिता के साथ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कार्यस्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आंतरिक व्यवस्था पर न होने दें। कर्मचारियों के बीच कुछ विवादित स्थितियां बनेगी। अधिकारी और जो है सम्मानित लोगों से संपर्क स्थापित रखना बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है, अत्यधिक खर्चों की वजह से हाथ थोड़ा तंग रहेगा। उधार दिए हुए पैसे वापस के लिए प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद किसी काम के अटक जाने से चिंता रह सकती है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार अवश्य कर लें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। जी हाँ, किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे और आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे। घर में नजदीकी संबंधियों की आवाजाही रहेगी और आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका पूरा परिवार, पूरा फैमिली गदगद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी के बहुत दिन हो गए हैं तो आज आपके घर में कोई नन्हे मेहमान के किलकारी संबंधी शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे पूरे आंगन में ढोल बजाकर नाचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सही है, 100% सटीक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार कर सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे प्रेमी जोड़ों के लिए समय काफी खास होने वाला है और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो समय और भी उम्दा समय होने वाला है, सोने पे सुहागा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ आज आपको अपना प्यार मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको अपना धन। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं अचानक ही कोई कार्य आज आपका पूरा हो सकता है।
जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी और आज आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष के ग्रह सितारे इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आपकी गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव की वजह से रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। देखिए दोस्तों, रिश्ते और बिजनेस केवल वही लोग चला पाते हैं जिनके अंदर नुकसान सहने की क्षमता होती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ शुभ-शाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कि कौन है वे लोग। लेकिन अभी इस आदमी से ना उलझें, आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको उससे नहीं उलझना है, नहीं तो आप अपने कार्य से भटक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मंजिल से भटक जाएंगे और बेवजह की बात विवाद हो सकती है। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो ही आप उसमें सफल हो पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की पूरी उम्मीद है। वास्तव में आपकी आय अर्जित करने के साधन में वृद्धि आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिससे आपको अपना करना चाह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है, ऐसा मौका आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में आज आप काम कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी बॉस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबकी नज़र आपकी तरफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आप अपने कामों पर अच्छे से ध्यान लगाएं, तन मन से काम करें, किसी को भी बोलने का मौका ना दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों आज आपकी प्रमोशन आदि हो सकती है। जी हाँ, अगर आप नौकरी बदलने के बारे में कोई सपना है, कोई सोच विचार बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो आपकी वह बात आज के दिन बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपका मूड बदलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस स्थिति से कैसे बदलें, इसके सब प्रकार के व्यवहार से खुद भी उलझ में रहेंगे और दूसरे भी उलझन में रहेंगे। जी हाँ, फिर भी किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें, क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज सब चीज़ों को हल्के में लें और खुद को बस निरीक्षक की भूमिका तक सीमित रखें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यह किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए बहुत समय अच्छा कहा जा सकता है। सफलता आपके साथ है। पेशेवर के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है, तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। नए मेहमान आज आपके घर आ सकते हैं, जिससे आपका धन खर्च होगा और उसी में आज आप व्यस्त रहेंगे। आपका दैनिक दिनचर्या अति उत्तम रहेगा। दोपहर के बाद आज आप नए कार्यों की शुरुआत ना करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नए कामों के लिए दोपहर के बाद का जो समय है उत्तम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेंडिंग पड़े कार्यों की शुरुआत कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जरूरी बात है कि आज आपके बड़े भाई के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। जी हाँ, जिससे आपके घर के सभी सदस्य काफी खुश नजर आएंगे। आज आपके कैरियर में सुधार होने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आज आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको बचना चाहिए।
देखिए दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति बना रही है। जी हाँ, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेगी, साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे में अगर कोई मौका आपके हाथ आता है तो उसे जाने मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकती हैं, साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ही ध्यान लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ, और यह समय व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, साथ ही स्टाफ और कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखें। हालांकि रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के तरक्की के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति रह सकती है, परंतु स्थितियां भी आपको ही संभालनी होगी। प्रेम संबंधों के मामलों में लकी रहेंगी। आज के दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। कोई भी निर्णय लेते समय खुद पर ही विश्वास रखें, इससे आप सुचारू रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय अपनी लव लाइफ से जुड़ी किसी भी गतिविधि में दूसरे का हस्तक्षेप ना होने दें। अगर कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल रहा है तो आज उसको गंभीर रूप से सुचारू रहेंगे, और विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने करियर और पढ़ाई को लेकर ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यावसायिक संपर्कों का दायरा और बढ़ाने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। फाइनेंस तथा कंसिस्टेंट जैसी व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को और अधिक समझने में समय लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपने काम तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें, इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से रूप देने की भी सक्षम रहेंगे। वहीं दोस्तों, अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिलने की चिंता ना करें तथा उचित समय का इंतजार करें। जब आपका समय आएगा तब आपको बुला कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता ना करें, क्योंकि जब आपका समय आएगा भगवान शनिदेव जी आपको बुला कर देंगे। जी हाँ, किसी भी तरह के सरकारी कार्यों को अधूरा ना छोड़ें। जी हाँ, कोई कार्यवाही हो सकती है, अपनी ईगो और गुस्से पर काबू रखना अभी बहुत ही जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रह गोचर अभी आपके अनुकूल है, भाग्य भी आपका साथ दे रही है। अगर आप सही समय पर सही कार्य कर लेंगे तो सफलता सीधे सीधे आपकी चौखट चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस से संबंधित कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए बेहतर होंगी। नौकरी पेशा लोग दस्तावेजों को संभाल कर रखें, ये आपके लिए अति उत्तम है। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती है, इसलिए दोस्तों अभी आपको एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करनी होगी, यही आपके लिए बेहतर होंगे। आने वाले अगले 24 घंटे अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। काम ज़्यादा होने की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान आपके ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए दोस्तों खुद को भी समय दें और काम के साथ साथ आराम करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों
अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।